आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया की कामयाबियों को ब्रेक ना लग सके। न्यूजीलैंड को भी शिकस्त देकर सेमीफाइनल मैच में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। नए पॉइंट्स टेबल जारी। अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल के बारे में तो उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ इंडिया के साथ। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भी 4 मैच चुकी थी और इंडिया क्रिकेट टीम भी 4 मैचेस जीत चुकी थी। दोनों क्रिकेट टीमों के दरमियान 5वां मैच होना था, एक टीम ने मैच जीतना था। तो इंडिया क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद पॉइंट टेबल पर सरफेस आ चुकी है और उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। अगर हम बात करें पॉइंट टेबल के बारे में तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम बदस्तूर सबसे आखिर नंबर पर मौजूद है, जिन्होंने 4 मैचेस में 1 जीता 3 हारे 2 पॉइंट। इंग्लैंड ने 4 मैचेस में 1 जीता 3 हारे 2 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद है। श्रीलंका ने 4 मैचेस में 1 जीता 3 हारे 2 पॉइंट। नीदरलैंड ने भी 4 मैचेस में 1 जीता 3 हारे 2 पॉइंट। बांग्लादेश ने 4 मैचेस में 1 जीता 3 हारे 2 पॉइंट, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 4 मैचेस में 2 जीते 2 हारे 4 पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया ने भी 4 मैचेस में 2 जीते 2 हारे 4 पॉइंट। साउथ अफ्रीका ने 4 मैचेस में 3 जीते 1 हारा 6 पॉइंट। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस में 4 जीते 1 हारा 8 पॉइंट। इंडिया ने 5 खेले 5 जीते और उनके 10 पॉइंट हैं और सेमीफाइनल मैच में रस्साई कर चुकी है, जबकि उसके बाद साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगी, जबकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला होगा कि कौन सी टीम होगी जो चौथी होगी और सेमीफाइनल मैच में पहुंचेगी।